बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास। वेलकम। पेज नंबर 12 एक्सरसाइज 1.2। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इज गिवन A, B, C, D, E, F, G. Question number 1, exercise 1.2, page 12, 1, 2. A universal set is equal to A, B, C, D, E, F, E, A, B, C, D, E, F, G. A is equal to F, A, C, E, F, A, C, C, E. B is equal to E, G, D, F. Now the question is, find A complement, B complement. Complement is equal to universal set minus A is equal to A complement. Is equal to universal set is A, B, C, D, E, F, G minus F, A, C, T. That is, A complement will become A cancel with A, F cancel with F, C cancel with C, E cancel with E. The result is B, D, G. B, D, G. A, B, C, D, E, F, G. In me say E, F, A, T, E. Inko cancel kar diya. Baki aapka A complement aa gaya. Isi tarike se U minus B is equal to B complement. Is equal to A, B, C, D, E, F, G minus B is E, G, D, F. आप इन अल्फाबेट्स को हम कैंसिल करेंगे तो अब आपका E से कैंसिल, F, F से कैंसिल, G, G से कैंसिल और D, D से कैंसिल. तो आपके पास यूनिवर्सल सेट में जो आंसर बचेगा दैट इज A, B, C. A, B, C. वो D, E, F, G. D, E, F, G आपका कैंसिल हो गया तो आपका B कॉम्प्लीमेंट आंसर आ गया.
अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। इसी तरीके से अब आप क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कौन सी थी, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर, हमने क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज नंबर 1.2 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर वन में हमने टू भी कर दिया, ये आपका टू क्वेश्चन नंबर टू हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। सिक्स दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बी डी जी है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है ए बी सी। इज देयर एनी कॉमन? नो, इट मींस देयर इज ए एम्प्टी सेट इज द आंसर, और दोनों में से कोई सा भी देख सकते हैं आप, कोई कॉमन नहीं, देयरफॉर एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर सिक्स मैंने किया। इसी तरीके से अब आप, मैं आपको मैं दो मिनट दूंगा, ए यूनियन बी मालूम करते हैं। पहले हम ए यूनियन बी में ए के नंबर्स हमारे पास हैं F A C E, यूनियन बी के नंबर E G D F, इनको यूनियन करेंगे तो आपका आंसर आएगा A C D E F G। देखें A C E, दोनों में कॉमन G F D F भी कॉमन, और ए आपका। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गए। अब इसको आपने यू आप खुद कीजिए, दो मिनट दे रहा हूं। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी, तो आंसर आपका आ जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से ये ए यूनियन बी के नंबर को कैंसिल कर दें, जो बाकी यूनिवर्सल में आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। डू इट प्लीज, इसको भी कॉपी कीजिए और खुद भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, ताकि मैं हम दोनों देखते हैं कौन हम दोनों में से जल्दी करता है। आप मेरे से ज्यादा जल्दी से करेंगे, मुझे उम्मीद है। यूनिवर्सल सेट हम मैं लिखने लगा हूँ, जल्दी से आप मेरे से पहले कीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी, मैंने जल्दी से शुरू कर दिया आपका, और मेरा आंसर ए यूनियन बी का आंसर आया हुआ है ए सी डी डी ई एफ जी। मेरे से जल्दी से कीजिए, मुझे महसूस हो रहा है कि आपने कर भी लिया है, मुझे लग रहा है कि आपने कर लिया। देखें, ए कैंसल, सी कैंसल, डी कैंसल, ई कैंसल, एफ कैंसल और जी कैंसल, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, बी आपके पास बचा। आपने कहा वेरी गुड, आपने तो मेरे से पहले कर लिया, वेरी गुड, शाबाश, बेटे कर लिया, एक्सेलेंट, वेरी गुड, शाबाश, आपकी क्लास माशाल्लाह बहुत अच्छी है।
इंशाल्लाह आप खूब मेहनत करें, पोजीशन ला रही हैं हमने जी बेटे। आप इसी तरह ए आप कीजिए, मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए। ए क्वेश्चन नंबर फाइव करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर फाइव जल्दी से कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी तो हमने मालूम किया हुआ है, आपको पता होगा ऊपर हमने बी किया हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद मालूम है, ये बी हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है। जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं और मेरा और आपका मुकाबला है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का एक एक नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर हमारे पास है एफ ए सी ई, एफ ए सी ई इंटरसेक्शन ए बी सी इंटरसेक्शन, मैं देखने लगा ए के नंबर के हैं, ए के नंबर हमारे बी के नंबर के हैं हमारे पास, बी के नंबर हमारे पास हैं ए बी सी। देखें ए बी सी मैंने लिख लिया, आपने भी लिख लिया होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ए बी सी ई एफ। अब आप देखें मैंने गलत किया, आपने क्या सही किया, मैंने गलत जानबूझकर देखा, मैं आप मेरे से पहले निकल गए। आपका आंसर क्या आ गया, देखें ए इसमें कॉमन और क्या कॉमन, सी कॉमन और सी कॉमन, तो मैंने क्या लिख दिया था ए सी। वेरी गुड, आप मेरे से जीत गए, आप मेरे से जीत गए, शाबाश, आप हमसे जीत गए। आगे बेटे समझ सब क्या आ गई, वेरी गुड, यस करते जाइए, वेरी गुड, शाबाश। अब आप वन क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर एट तक बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना बेटे। यूनिवर्सल में एम्प्टी सेट का आंसर निकालें तो एम्प्टी सेट आता है, इंटरसेक्शन में और यूनियन में यूनिवर्सल सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन और एट यूनिवर्सल में एम्प्टी सेट ऐड करेंगे तो यूनिवर्सल ही रहेगा, यानी यूनिवर्सल बहुत ज़्यादा है उसमें नथिंग ऐड किया तो यूनिवर्सल ही रहेगा, और यूनिवर्सल में एम्प्टी सेट का कॉमन कोई नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। यूनियन में यूनिवर्सल और इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट। ओके, आप आगे बेटे समझ, और आप ये एमसीक्यू उसमें पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 में से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, 9, 10, 11 से पहले दिया हुआ है, x आई दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे कोई सा भी, पहले मैं यूनिवर्सल सेट देना हूँ फिर क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू क्या लिखा है, इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर आपके यूनिवर्सल सेट आ जाएंगे, और उसके बाद ए दिया हुआ है x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, तो ए के नंबर क्या आ जाएंगे, लेस देन 10, 1 पॉजिटिव कौन से इवन, तो इवन में आपका 2 आता है, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स 2, 4, 6, 8, और बी हमारे पास आएगा, बी में क्या दिया हुआ है, बी में लेस देन 10 दिया हुआ है, उसके बाद बेटे बी में क्या दिया हुआ है, बी इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10, ऑड में 1, 1, 3, 5, 7, 9। ओके, क्या आंसर है, अब आप इसमें जल्दी से कीजिए, अब आप इसमें बेटे जल्दी से कीजिए, देखते हैं आप पहले करते हैं या मैं पहले करता हूँ। ए माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, बेटे देखें मैं पहले यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल के नंबर लिखूंगा, आपने स्टेप वाइज करना है,
आपने स्टेप वाइज करना है। डैश 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 10 माइनस ए के नंबर क्या हैं 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 ओ वेरी गुड, आपने तो बेटे कर भी लिया, मैं अभी लिख ही रहा हूँ 1, 3, 5, 7 लेस देन 10, ये 10 शामिल नहीं होगा, लेस देन 10 है तो 9 तक होने चाहिए, 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9 ओके। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट आया, ये 2, 4, 2, 4, 6, 8 को माइनस किया, ये यूनिवर्सल सेट में से, तो 2, 2 से कैंसिल, 4, 4 से कैंसिल, 6, 6 से कैंसिल, 8, 8 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आया 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 अब बेटे देखिए लेस देन 10 है तो यूनिवर्सल में 10 से लेस होने चाहिए तो 9 तक आने चाहिए ये नंबर ओके देखिए ओके बेटे। और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट भी आपने मालूम कर लिया होगा, जल्दी से शाबाश, इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट कहाँ तक है, मैं फिर देखता हूँ मेरे से पहले कर रहे हैं या नहीं। देखिए मैं अभी 3 लिखते हुए मुझे देर हो रही है, आपने 3 से भी पहले लिख लिया, लेट डैश 9 माइनस बी के नंबर 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 आप देखते हैं कि जल्दी से आंसर किसका आ गया। ओहो फिर आपने पहले लिख लिया कर लिया, वेरी गुड ओके। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आया हुआ ऊपर, अब देखिए मैंने ए कॉम्प्लीमेंट भी मालूम कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम कर लिया, ये तमाम के तमाम आपने याद रखने हैं। ए कॉम्प्लीमेंट जरूरी था, बी कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम करना है क्योंकि ये आगे तमाम क्वेश्चनों में, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ओके। ये प्रोसेस हमने कर लिया, इसका आंसर मालूम कर लिए, अब उनका आंसर देख देते हैं। देखकर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं तो 2, 4, 6, 8 तो कोई कॉमन नहीं तो एम्प्टी सेट आंसर आ गया, लीजिए जल्दी से आंसर ओके। अब आप मुझे करके दिखाएं जल्दी से, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखते हैं कौन जल्दी करता है, मैं भी शुरू करने लगा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर है 1, 3, 5, 7, 9 यूनियन, जल्दी से मेरे से जल्दी होना चाहिए क्योंकि आप मेरे से लायक हो गए आप माशाल्लाह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वेरी गुड शाबाश आप जगह नंबर लीजिए। अब आपने हमने एक और क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी, आपने कर लिया ना पहला मेरे से, ओ ओ वेरी गुड। फिर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए कॉम्प्लीमेंट कितना है देखिए मैं अभी लिख रहा हूँ, आपने लिख भी लिया 1, 3, 5, 7, 9 सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी हमारे पास दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8
बी हमारा 13579 है, बी हमारा क्या है 13579, 13579, 13579, देखिए अब आपने तो देख लिया 13579, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या होता है, जो कॉमन हो उनको कैंसिल करके बाकी आंसर होगा, तो कैंसिल क्या हो गए, सब कैंसिल हो रहे हैं, सब कैंसिल हो रहे हैं, देखिए सब कैंसिल हो रहे हैं, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 9 9 से कैंसिल हुआ, तो क्या आंसर आया, इसका भी एम्प्टी सेट आंसर आ गया। ओके आगे बेटे समझ, अब आप अगर आपको बेटे समझ आ गई है तो यस लिखिए, नहीं आई तो पूछिए बेटे समझ आ गई, आगे बेटे देखिए दोनों में कोई कॉमन नहीं है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आंसर आया, इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं था, ऊपर वाले वो भी एम्प्टी सेट आ गया। ओके आप नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, अब ये बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे बेटे, ए आप मैंने सिमेट्रिक का बता दिया, सिमेट्रिक क्या होता है, कॉमन लेकर यून बाकी जो बच्चे यूनियन कर देते हैं, सिमेट्रिक में जो कॉमन है उनको कैंसिल कर देते हैं, बाकी बच्चे दोनों में उनको यूनाइट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, लिख देते हैं अरेंज करते हुए। ओके बेटे समझ आ गई, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करना और उसके बाद 17 18 19 20 तक मुकम्मल करने हैं, तो आप देखिए मैं एक क्वेश्चन करने लगा हूं, एक क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में से कोई सा एक करते हैं, दोनों एक जैसे हैं, इसमें ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, और उसमें क्या है ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस है, तो मैं 18 करता हूं, आप खुद करेंगे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, में देखिए ए की वैल्यू दी गई है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है ए इज इक्वल 1 2 3 ए इज इक्वल 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 2 4 6 8 ओके अब हमने क्वेश्चन नंबर 18 करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए के नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल लगाएंगे 2 4 6 8 2 4 6 8 इसमें क्या करते हैं जो कॉमन होते हैं उनको छोड़ देते हैं, जो कॉमन होते हैं उनको छोड़ देते हैं, कौन कौन से हैं 2 और 4 कॉमन है, तो जो बाकी क्या बचे जो बच जाएंगे उनको यूनाइट कर देंगे 1 बचा 3 6 एंड 8 ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है, कॉमन जो है उनको नहीं लिखते, जो बाकी अनकॉमन है उनको उनका यूनियन लेकर लिख देते हैं। ओके ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड लिखें, लिखना है आपने राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हमने पहले ए डिफरेंस बी मालूम करते हैं, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए के नंबर क्या है 1 2 3 4 डिफरेंस बी के नंबर क्या है 2 4 6 8 खत्म हो जाएगा, तो 1 और 3 आ गया आपका आंसर, जो फर्स्ट में बच जाए वो लिखने हैं। ओके जो फर्स्ट में बच जाए
जो फर्स्ट में बचे वो लिखना है। ओके, आप बी डिफरेंस ए मालूम करेंगे, क्या करेंगे, बी डिफरेंस ए, फिर उन दोनों को यूनियन कर देंगे। बी डिफरेंस ए, बी के नंबर क्या हैं, बी के नंबर 2, 4, 6, 8 माइनस ए के नंबर 1, 2, 3, 4। तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 1, 3, 6 और 8। ओके, अब क्या करना है, आप देखें उन दोनों को यूनियन करना है। ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी के, ए डिफरेंस बी के हमारे पास क्या है, 1, 3, और इसमें बी डिफरेंस ए क्या आया, देखें बेटे बी डिफरेंस ए, देखें बी डिफरेंस ए, इसमें 2 और 4 नहीं लिखा, तो फर्स्ट में क्या बचा था, फर्स्ट में क्या बचा था, 6 और 8, क्या बचना चाहिए था, क्योंकि 2 और 4 हमने कैंसिल कर दिया, तो ये आएगा। अब यूनियन करेंगे इसमें, यूनियन किसको किया, 6 और 8 को। ओके, तो आंसर क्या आएगा, आप क्या करेंगे, आंसर क्या आएगा, देखें जो इसके नंबर्स हैं, 2 कैंसल 4 कैंसल 2 कैंसल 4 कैंसल, जो फर्स्ट में बचे वो कौन सा बचा, 6 और 8, ये आंसर आया। उन दोनों को कंबाइन करें क्या आंसर आया, 1, 3, 6, 8। तो ऊपर देखिए आंसर क्या आया, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड ये, और राइट हैंड साइड हमारा ये, राइट हैंड साइड, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओ वेरी गुड, आपने तो मेरे से भी पहले और सही कर दिया, मैंने गलती की थी, आपने गलती नहीं की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 खुद करके दिखाइए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, 1 से लेकर 20 तक के नंबर लिखेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ, इसके बेटे का खास तौर पे आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर ये 17, 18 में से कोई आता है, क्वेश्चन नंबर 20 में से आता है, और इसी तरह पेज नंबर 10 पर एग्जांपल दी गई है, पेज नंबर 10 की एग्जांपल वेन डायग्राम से ऊपर एक, ये इंपॉर्टेंट, ये खास तौर पे इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 20 खुद कीजिए जरा जल्दी से, मैं भी करता हूँ आप भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 ओनली 10 मिनट्स हैं उसमें, अब ये भी क्वेश्चन करना है, बगैर 20 आप जल्दी से कीजिए। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, पेयर अटेंडेंस लेनी है हमने, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 आफ्टर टेल 20। ए इज इक्वल टू, ए आपको दिया हुआ है जल्दी से, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20, 10, 16, 20, और बी सेट इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 2, 6, 8, 10, 2, 6, 8, 10, 2, 6, 8, 10, 2, 6, 8, 10, 81 नहीं है, इट इज प्लीज 2, 6, 8, 10, 14, 18, 14, 18। अब हमें देखिए, अब हम स्टेप करने लगे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं,
लेफ्ट हैंड क्वेश्चन नंबर 20, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पहला फॉर्मूला, ए यूनियन बी इन दोनों को यूनियन कीजिए, 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20 यूनियन 2, 6, 8, 10, 14, 18 तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20 तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब हमें ये ए यूनियन बी हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने यू माइनस ए यूनियन बी करना है, यू यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी सेट, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन ए यूनिवर्सल 1, 2, 3, 20 तक माइनस ए यूनियन बी गया 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 14, 16 और 18 और 20। इसमें से यूनिवर्सल सेट में से इनको माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20 ये हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ओके ये आप बेटे लेफ्ट हैंड साइड याद रखनी है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, जल्दी से आप राइट हैंड साइड यू माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वन से लेकर 20 तक, यूनिवर्सल सेट के 1 से लेकर 1, 2, 3, 20 माइनस ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट हमारा 1, 2 पीछे देख लेते हैं, बुक से देखते हुए लिख लेते हैं, बुक में दिया हुआ है 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 8, 6 नहीं है, 8 है, 1, 2, 4, 8, 10, 16, 10 और 16 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, और 16 एंड 20 तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास आएगा यूनिवर्सल में से, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, तो यूनिवर्सल माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
वन टू थ्री 20 तक, और बी के नंबर क्या है हमारे पास, बी के नंबर है 268 माइनस 268, 10 16, 10 14, 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 और 20। अब हमारे पास मैं हमने क्या किया था, पहले हमने ए यूनियन बी, अब इज इक्वल टू, अब हमारे पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले उसमें ऊपर देखिए हमने ये दिया हुआ है ए यूनियन, तो इसका ऑपोजिट करना है, तो ये आ जाएगा। आप इसको इसके नंबर, ए के नंबर, ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर क्या है हमारे पास, 3 5 9 11 12 13 14 15 17 18 19। यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में बी के नंबर क्या आएंगे बी कॉम्प्लीमेंट के, तो ये है 1 3 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 और 20। दोनों में कॉमन नंबर्स क्या आए, कॉमन नंबर्स हमारे पास आएंगे, कॉमन नंबर्स हमारे पास आएंगे, कॉमन नंबर हमारे पास ये अगर 3 5 7 3 5 देखें, 3 5 7 3 5 7 5 9 3 5 9 3 5 7 9 11 12 13 15 17 20। दैट्स ऑल, आपका टाइम भी खत्म हो गया, अब अटेंडेंस लेनी है, जल्दी से यस कीजिए, जल्दी से अपने नाम लिखिए और रोल नंबर लिख दीजिए, यस कर दीजिए, जल्दी से टाइम खत्म हो गया बेटे, वो बंद कर देंगे पीछे से, जल्दी कीजिए, नाम लिखिए और जल्दी से यस करते जाइए, यस करते जाइए, सब सब बच्चे यस करते जाएं।